मचा हुआ है। बता दें कि सैंपल जांच के बाद पॉजिटिव आए 10 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में चिकित्सा टीम गांव पहुंची और गांव का दौरा किया। पीएचसी में तैनात डॉक्टर वेदांत तोमर ने दिशा निर्देश दिए। ग्रामीणों को साफ सफाई, बीमारी से बचने, जागरूकता लाने का आग्रह भी किया। डॉक्टर नम्रता पारिक ने लोगों से नमी वाली जगहों पर नंगे पांव जाने से बचने की सलाह दी, साथ ही बीमारी के लक्षण दिखाते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी। नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पिछले कई दिनों से स्क्रब टाइपस नाम की जो एक बीमारी है, बैक्टीरिया जनित बीमारी, उसने टोंक जिले के मालपुर उपखंड के नगर गांव में कहर बरपाया हुआ है। हमने पहले खबर लगाई थी, आपको बताया था, लगभग यहां 23 मौतें हुई है 2 महीने के अंदर, जिसमें से शक के दायरे में रखी गई है चिकित्सा विभाग द्वारा लगभग 10 मौतों को। उसके बाद में चिकित्सा टीम यहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल से यहां टीम आई, वहां से सैंपल ले गए। सैंपल एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे से गाँव में 10 सैंपल आना बहुत बड़ी बात है। स्क्रब टाइपस डेंगू और मलेरिया से भी खतरनाक बीमारी है। यदि अगर एक बार कोई संक्रमित व्यक्ति इसको कैरी करता है तो ये कहीं भी आपको कहर बरपा सकती है। स्क्रब टाइपस कैसे होता है, एक छोटी सी आपको जानकारी देता हूँ। जहाँ नमी होती है, जैसे कचरे के ढेर होते हैं, गंदगी होती है, नालियाँ होती है, या जो लकड़ियों के ढेर होते हैं, जहाँ नमी होती है वहाँ पर टिश्यू और माइट पाए जाते हैं, यानी छोटा एक सूक्ष्म कण होता है। उसका आकार अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर के सौवें से जितना सूक्ष्म कण होता है, जिसके हम बैक्टीरिया बोलते हैं माइट के नाम से। वो माइट जब आप नमी वाली जगह पर जाते हैं, गंदगी के पास जाते हैं, लकड़ी के ढेर के पास जाते हैं, कचरे के ढेर के पास जाते हैं, तो वो आपके शरीर के चिपक जाता है और वो आपके खून में प्रवेश कर जाता है। खून में प्रवेश होने के बाद में संक्रमण फैलता है। संक्रमण इतनी तेज़ी से फैलता है कि संभलना मुश्किल हो जाता है। जैसे डेंगू में प्लट्स कम होते हैं, वैसे ही संक्रमण तेज़ी से फैलता है और उस संक्रमित व्यक्ति को मौत के आगोश में समेट लेता है। आज फिर इंडिया न्यूज़ की टीम दोबारा से नगर गाँव में आई है। हालाँकि अब हालात नियंत्रण में है। वो जो 10 सैंपल लिए गए थे, उन संक्रमित व्यक्ति एक की मौत हो चुकी है, लेकिन वो सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले हो चुकी है। अभी इस समय BCMO खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर संजीव चौधरी, उनसे बात करेंगे। एक बार सर आइए, सर बताएं, ये जो स्क्रब टाइपस बीमारी फैली थी पूरे राजस्थान को हिला के रखा है, एक छोटे से सीमित क्षेत्र में 10 लोगों की मौत हो जाना, वैसे तो 23 लोगों की हुई है, लेकिन क्योंकि डेटा ने, आपका जो डेटा था उसमें कहा कि 23 मौतों में से 10 मौतें ही लगभग है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 सैंपल पॉजिटिव आ जाना, सर बड़ी बात तो है? नहीं, बड़ी बात है। हाँ जी, अब बताइए सर, अब हालात कैसे हैं? नहीं, अभी तो स्थिति नियंत्रण में है और टीम आई थी, स्टेट की भी आई थी, टोंक की भी आई थी, हम भी आए थे। उस टाइम में 13 सैंपल तो जयपुर के लिए लिया था और 11 सैंपल हमने टोंक भेजे थे। उसमें से क्या है कि 13 में से 6 जो केस जयपुर भेजे थे, उसमें से स्क्रब टाइपस की केस निकले गए थे, और लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है वो 2 केस वहाँ टोंक से भेजे हुए हमें, और उसमें एक था स्क्रब टाइपस का। सर, ये छोटा सा गांव है, गत वर्ष भी स्क्रब टाइपस यहाँ मौतें हुई थी जी, इस बार भी हुई, इसका मेन कारण क्या मानते हैं? मेन कारण तो ये है कि नंबर वन तो देखिए, जो ये पिस्सू होता है वो उसकी वजह से ही फैलता है, और ये नमी में, जैसे स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियों में, झाड़ियाँ हुई, नमी हुई, अपने क्या है कि जो साफ सफाई नहीं होती है ना बाड़ों में जहाँ पे है, तो उसकी वजह से ही फैलता है। और ये ज़्यादातर जो पिस्सू होता है बारीक सा जीवाणु होता है, और ये क्या है कि कैरियर के रूप में काम करता है। कैरियर इसके होते हैं, जैसे क्या है कि चूहे पे आ गया, या बिल्ली पे, डॉग पे, या फिर क्या है कि बड़े जो जानवर होते हैं ना, गाय भैंस, उन पे होता है। फिर उसके कॉन्टैक्ट में ज़्यादातर क्या है कि किसान वर्ग है या जो पशुपालक है उनके कॉन्टैक्ट में। ये जो आप बता रहे हैं ना, इसकी रीजन ये तो सभी गाँव में, गंदगी सभी गाँव में लगी, किधर सब गाँव में, नगर गाँव में विशेष क्यों है? गई साल भी सारी मौतें हुई थी, आखिर चिकित्सा विभाग जा क्यों नहीं रहा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है सर, टोंक जिले में आकर मालपुर उपखंड की बात करिए, लगभग 150 गाँव है मालपुर उपखंड में, अकेले नगर गाँव में इतनी मौतें होना, तो या किसकी लापरवाही माने, ग्राम पंचायत की, प्रशासनिक विभाग की, या फिर चिकित्सा विभाग की? नहीं, लापरवाही तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये तो कोऑपरेटिव काम है, जैसे पंचायत का भी काम है, चिकित्सा विभाग का भी है, पशु विभाग का भी है, प्रशासन का भी है। इस सवाल को मैं दोबारा से आपको बता दूं, गत वर्ष भी यहाँ मौतें हुई, अगर गत वर्ष मौतों को देख के अगर चिकित्सा विभाग, जो संबंधित प्रशासन है, मैं सर को नाम लेता हूँ, वो अगर जाग जाता तो ये जो मौतें हैं ना, शायद इनको रोका जा सकता था, या मौतें के अलावा जो 10 सैंपल पॉजिटिव आए हैं उनको भी तो रोक सकते थे सर, क्योंकि एक वर्ष का समय काफ़ी होता है।
नहीं, गई साल भी इसी टाइम आई थी, इस साल भी इसी टाइम में हुआ, और गई साल की मौतों के कंपैरिजन में इस साल मौतें क्या है कि वैसे ज़्यादा है, लेकिन मौत जो है ना एक्सीडेंट की वजह से उनसे हुई है। और जो स्टेट की टीम आई थी उसमें हमने क्या है कि जैसे अगस्त की जो 14 मौतें थी उसमें से 12 मौतें तो ऐसी जो मतलब क्या है एक शुरू कर दिया कि भाई वो अपने मौसमी बीमारी से संबंधित नहीं थी। दो केस ऐसे थे जिनकी मौतें हुई वो मौसमी बीमारी से मानते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है कि ज़्यादातर लोग बाग जो जैसे यहाँ से एडमिट हो गए बाहर दूदू या जयपुर कहीं भी गए, अब क्या है कि लोग बाग जो वहाँ कराया तो वहाँ स्क्रब टाइप्स की जाँच ही नहीं हुई। ज़्यादातर लोगों ने क्या है कि डेंगू, जैसे क्या है कि प्लेटलेट कम हो गई, यहाँ पे जांच कराई डेंगू प्लेटलेट कम हो गई, लोगों ने सोचा कि डेंगू हो गई। अब क्या है वो वहाँ जाने के बाद में क्या है कि डेंगू का ट्रीटमेंट कर दिया और उन्होंने स्क्रब टाइप्स की जांच ही नहीं कराई। तो वो दोनों केस ऐसे हैं कि जो डाउट में है कि भाई अब उसी संबंधित भाई उसको जाँचने के लिए क्या है वो तो ऊपर चले गई, उसको देखने के लिए ये 13 सैंपल और 11 सैंपल लिए थे। अच्छा सर, लगातार 2 साल से मौतें हो रही है, चिकित्सा विभाग अब ऐसे क्या उपाय करना कि अगले साल ऐसा मतांडव नहीं हो या इस तरह की घटना नहीं घटे, इस तरह का हादसा नहीं हो? नहीं, हमारी जो क्या है कि जैसे जो मौतें हुई उससे पहले भी हमारा तो 70 की है डिपार्टमेंट, और इसमें क्या है कि सर्वे होता है, डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं हम, इसमें आशा भी है, NM भी है, हमारे क्या है CHO है, और हमारे मॉनिटरिंग जो स्टाफ है ना यहाँ का वो उसके साथ में जाता है। यहाँ 880 घर है, करीब क्या है कि 9000 घरों का सर्वे कराई, मतलब यानी कि 4-5 बार हमने सर्वे करवा लिया, और प्रत्येक घर में क्या है कोई बीमार है तो उसका फॉलोअप करवा रहे हैं, जो अभी जाँचें आई उसका भी हम फॉलोअप करवा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हुए कि भाई ये जो बचे हुए हैं या जिनकी बीमारी है या जिनकी जाँच आई है जिसमें पॉजिटिव आया तो वो कम से कम क्या है उनकी डेथ तो नहीं हुई, तो उनके घर जा रहे हैं, उनको दवाई दे के आ रहे हैं हमारा स्टाफ, और उनका लगातार क्या है कि कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में है, और उनकी दोबारा से जांच क्या है कि जो प्लेटलेट CBC हमारे यहाँ होती है वो करवा रहे हैं हम। तो चिकित्सा विभाग के अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हम हमारी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चिकित्सा विभाग के जब बड़े अधिकारी से हमने बातें करी तो उन्होंने कहा कि भाई लगातार यहाँ स्प्रे करवाया जा रहा है, मेथ्रिन गैस का स्प्रे करवाया जा रहा है, माइट स्प्रे यहाँ करवाया जा रहा है, नगर गाँव में 880 घर की आबादी है लेकिन उसमें 4 से 5 राउंड में यानी लगभग 9000 घरों का इन्होंने सर्वे करवा लिया है, सर्वे भी हो चुका है, और जो केस आए हैं उनको लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। भले ही निगरानी करे चिकित्सा विभाग अब जाग गया हो, लेकिन फिर एक बात उभर कर आती है और चिकित्सा विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा करती है कि आखिर गत वर्ष जब इतने मौतें हो गई थी तो चिकित्सा विभाग को साल भर का समय मिलने के बाद ये मौतें नहीं होनी चाहिए थी, इनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। और ये जो सैंपल आए हैं, ये जो 10 छोटे से गांव में 880 घरों की आबादी में ये 10 व्यक्ति स्क्रब टाइफस जैसी बीमारी, घातक बीमारी के सैंपल मगर मौजूद हो, पॉजिटिव आए, तो ये चिंताजनक बात है। इस चिकित्सा विभाग इसमें अब लापरवाही न करे और ये ज़्यादा भयावह न हो, इसको लेकर प्रयास रहता है। मैं देवी शंकर, कैमरा पर्सन गोपाल नाइक।